तो ये देखो प्यारे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक अपने पास प्लेन कन्वेक्स लेंस है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, 1.6 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना 60 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। देखो आसान ऐसा कई बार सवाल आया है, और अगर हम इस क्वेश्चन को करें प्यारे बच्चों, तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस ये होता है ऐसे वाला लेंस, ये वाला जो लेंस होता है वो प्लेनो कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक ना। ये तो उतना अच्छा से बना नहीं है, आई विल मेक इट गुड फॉर यू, ठीक है, क्योंकि बच्चों का जो ख्याल रखना हमारा परम कर्तव्य है। तो यहाँ से प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, ये सीधी वाली लाइन है, और ये यहाँ से ऐसे कर्व हो जाता है, ठीक है। और जब प्लेनो कन्वेक्स है, आप लाइट रे दोनों तरफ से डाल सकते हो, ठीक ना। चलो मान लो मैं इधर से डाल दिया लाइट रे, तो अगर मैं इधर से डाल दिया तो ये जो प्लेन सरफेस है, फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर वन बनेगा जो कि इन्फिनिटी, और ये जो है वो आर टू बनेगा, ठीक है ना, जो कि माइनस, यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस 60 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो डायरेक्ट फार्मूला है अपना, म्यू दिया हुआ है यहाँ पर, म्यू जो है 1.6 दिया हुआ है, तो डायरेक्ट फार्मूला इसका, उस फार्मूले से ही डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं तो अपना प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वन अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इक्वल टू, यहाँ से पढ़े हो, म्यू माइनस वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन यहाँ से आर टू, ठीक है ना। इसमें डायरेक्ट फार्मूला रख देना और कुछ नहीं करना है। तो 1.6 माइनस वन यहाँ से आएगा, और 1 अपॉन आर वन इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 60, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 0.6, तो 0.6 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो पॉइंट हट जाएगा, और यहाँ से 60, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है, ठीक है, ये पॉइंट, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, और ये 6 से ये 6 कट गया, और एक काम करते हैं, यहाँ से कितना आ रहा है भाई, 1.6 माइनस ए आ गया आर वन, और आर टू आ गया माइनस, ठीक है, तो यह आ जाएगा प्लस 100 सेंटीमीटर। तो जो है फोकल लेंथ ऑफ लेंस जो है, इसका मतलब ये हुआ कि जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाता है, ठीक है। तो अपना चेक कर लेना, ठीक है, कोई अगर कैलकुलेशन गलती होगा तो देख लेना।